हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे। आज हम एक और सेशन लेके आए हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स का। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि टू फोर्सेस इक्वल टू एफ एंड टू एफ, ठीक है, दो फोर्सेस आगे एक एफ एंड टू एफ, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल व्हेन द फर्स्ट फोर्स इज इंक्रीज बाय 120 एंड द सेकेंड फोर्स इज डबल, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स रिमेन सेम, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एफ। आप लोगों को F की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करके दो। लेकिन अगर आपके लिए नया है तो ये कॉन्सेप्ट सीखो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है कॉन्सेप्ट। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उतना ब्रीफ तो नहीं कर पाएंगे वीडियो में, बट एक आइडिया दूंगा आपको कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपको ये चीज़ याद है कि अगर ये फोर्स एक पी है, ये एक फोर्स है क्यू, तो जाहिर सी बात है इनका रिजल्टेंट वो ऐसे आएगा। अगर मैं रिजल्टेंट दिखाऊं तो रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस आर। तो पैरेललोग्राम थ्योरम से अगर हमने ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत अगर आपको ध्यान में है, तो कुछ इस तरह से पैरेललोग्राम थ्योरम का कॉन्सेप्ट बनता था। ये एक एंगल होता है, दो फोर्सेस के बीच के एंगल को अगर मैंने अल्फा नोट किया, रिजल्टेंट के साथ जो एंगल है उसको मैंने थीटा नोट किया, तो हम इस ट्राइंगल से, जैसे इसका नेम मैं पी क्यू आर लिख रहा हूँ, इस ट्राइंगल की हेल्प से हम टैन थीटा निकालते थे, जो किसके बराबर होता था इस फिगर में अगर हम देखें, दैट विल बी पी क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यू के बराबर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया हुआ है। सो टैन थीटा जो हमारे पास होता था, उसका बेसिक फॉर्मूला होता था क्यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। इफ यू डोंट नो अबाउट दिस फॉर्मूला, आप इसको नोट कर लो, एंड इट इज इंपॉर्टेंट, ये पेपर में काफी बार यूज हो सकता है, आपको पेपर में ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, और क्या निकालेंगे, एफ की वैल्यू निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि मेरे पास एक फोर्स एफ है और दूसरी फोर्स टू एफ है। मान लेते हैं हमारा जो पी फैक्टर है दैट इज एफ, ठीक है, एंड हमारा जो क्यू फैक्टर है दैट इज टू एफ, ये मान लिया। तो अप्लाई करें, अप्लाई करते हैं यहां पर, ठीक है। टैन थीटा इक्वल्स टू क्यू की जगह क्या लिखेंगे, टू एफ, साथ में क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय पी, पी की जगह क्या लिखेंगे, पी की जगह लिखेंगे एफ प्लस, साथ में क्या आ जाएगा, टू एफ कॉस अल्फा। ये मेरी आ गई पहली कंडीशन। चलिए इसको हम एक केस बनाते, रीड आउट सेकंड स्टेटमेंट, इसको लिखा फर्स्ट, रीड आउट सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेरी फर्स्ट फोर्स को मैंने कितना बढ़ा दिया, फर्स्ट फोर्स को मैंने 120 बढ़ा दिया, और सेकंड फोर्स को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो मतलब जो पहले फोर्स मेरी एफ थी, अब वो जो नया फोर्स पी डैश होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या, टू एफ, सिंपल सा फंडा। और जो मेरी सेकेंड फोर्स थी, सॉरी, फर्स्ट फोर्स को उसने कहा 120 इंक्रीज करना है, दैट इज एफ प्लस 120, और जो सेकेंड फोर्स थी इसको हमने क्यू डैश लिख देते हैं, दैट विल बी रिटर्न लाइक डबल, वो टू एफ था तो अब कितना हो जाएगा, फोर एफ। क्लियर है ये चीज? आगे क्या कह रहा है वो, रिजल्टेंट सेम है, रिजल्टेंट सेम है तो मतलब ये टैन थीटा वाली वैल्यू सेम रहनी है, रिजल्टेंट जो एंगल है वो सेम बना रहा है। तो रिजल्टेंट अगर सेम है तो मेरे पास इधर से फॉर्मूला जब बनाए, टैन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, क्यू साइन अल्फा, तो क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, फोर एफ साथ में क्या, साइन अल्फा। क्लियर है बात? फिर क्या नीचे पी, पी को क्या लिख सकते हैं, एफ प्लस 120 प्लस क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, क्यू की जगह लिखूंगा फोर एफ साथ में कॉस अल्फा। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला, इसको हम नेमिंग कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। मेरे पास दोनों इक्वेशंस हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, लेट्स सी। कंपेयर जब करेंगे दोनों इक्वेशंस को तो क्या लिख सकते हैं, मैं कंपैरिजन वाले टर्म को यहाँ लिख रहा हूँ, इधर लिख सकता हूँ मैं टू एफ साइन अल्फा डिवाइड बाय एफ प्लस टू एफ कॉस अल्फा इक्वल टू, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, फोर एफ साइन अल्फा फोर डिवाइड बाय एफ प्लस 120 ट्वेंटी
ये ब्रैकेट में आ गया प्लस 4f साथ में cos अल्फा। सिंपल कॉन्सेप्ट, दोनों के tan थीटास को कंपेयर कर दिया मैंने। यहां से अगर आप देखो तो क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है, क्या क्या टर्म कैंसिल आउट हो सकती है, वो ये टू अपना बस f sin अल्फा कैंसिल आउट, ये 2 और ये 4 कैंसिल आउट होकर यहां पर सिर्फ क्या रह गया, 2 रह गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने किया, ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस विल बी f प्लस 120 राइट प्लस 4f cos अल्फा इक्वल टू, ये ट्वाइस इधर बचा हुआ ये यहां जाएगा 2f प्लस ये यहां जाएगा 4f साथ में क्या आ जाएगा cos अल्फा। ठीक है, दोनों तरफ आपके पास क्या टर्म बच रही है, 4f cos अल्फा 4f cos अल्फा। अब उसके बाद आप अगर देखो, मैं यहां पर अगर रिलेट करवाऊं, ये यहां पर कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 2f को मैं यहां शिफ्ट करूं या इस f को वहां ले जाऊं, आई विल गेट f और आंसर मेरा क्या आ जाएगा 120, 120 विल बी दी आंसर, 120 विल बी दी आंसर। तो मेरे पास ऑप्शन था 120, दैट इज सी। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेकिन उसके पीछे का लॉजिक इंपॉर्टेंट। तो आपको ये टैन थीटा का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आई होप आपको समझ आ गया हो ये कैसे कर सकते हैं। इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आएगा यू कैन इजीली सॉल्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम, अगेन इफ यू नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप इस प्रॉब्लम को, इस क्वेश्चन को यहां पर भी पॉज करो और सॉल्व करो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट अ पॉइंट द मैक्सिमम रिजल्टेंट इज 2000। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलता कब है। मैक्सिमम रिजल्टेंट बच्चों तब मिलता है जब आपकी एक कंडीशन होती है, ये वाली एक कंडीशन होती है, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ओवरलैप। ध्यान से सुनना और समझना इस कॉन्सेप्ट को, साथ साथ जितना बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकता है मैं वो साथ साथ दे रहा हूं। एक मान लो ये फोर्स, दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स ये है पी और दूसरी फोर्स ये क्यू, यहां भी एक फोर्स ये पी एक फोर्स ये क्यू। ठीक है, एक केस मैक्सिमम का, एक केस मिनिमम का। मैक्सिमम तब होता है, पहले तो आपको रिजल्टेंट की इक्वेशन लिख के दूंगा वहीं से समझ आ जाएगा। मैक्सिमम, दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम, दिस इज द केस ऑफ मिनिमम, जब इनके बीच का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, और जब इनके बीच का एंगल क्या होता है जीरो, एक ही लाइन में है, तो ये आपको मैक्सिमम रिजल्ट देता है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन क्रक्स कि आइडिया दे रहा हूँ कि क्या चीज है, इसके पीछे कहानी है, कैसे हुआ वो अभी नहीं। तो क्वेश्चन में वो बोल रहा था कि मेरे पास दो फोर्सेज हैं पी एन क्यू, दे आर एक्टिंग एट द पॉइंट, मैक्सिमम रिजल्टेंट की वैल्यू दी है 2000, मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट की वैल्यू दी है 800, मुझे P और Q की वैल्यू निकाल के दो। क्लियर, तो मेरे पास क्वेश्चन के हिसाब से आई हैव मैक्सिमम रिजल्टेंट वैल्यू दैट इज 2000 और मेरे पास मिनिमम की वैल्यू भी है, रिजल्टेंट वैल्यू दैट इज कितना 800। क्लियर, अब मेरे को पहले रिजल्टेंट की इक्वेशन आनी चाहिए, वो साइड पे मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, रिजल्टेंट की इक्वेशन का कॉन्सेप्ट मैं साइड पे लिख देता हूँ ताकि आपको काम आ जाए। अगर एक फोर्स है P का स्क्वायर, अगर दूसरी फोर्स है Q का स्क्वायर प्लस पी क्यू, टू टाइम्स पी क्यू कॉस अल्फा, टू टाइम्स पी क्यू कॉस अल्फा। ये अल्फा क्या होता है, दो फोर्सेस के बीच का एंगल, रिजल्टेंट का नहीं, दो फोर्सेस के बीच का एंगल होता है। अब रिजल्टेंट मैक्सिमम, अभी मैंने बताया मैक्सिमम के केस में जीरो, तो उस केस में अब यहां अल्फा की वैल्यू क्या पुट करोगे, जीरो पुट करोगे। कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है। तो मतलब मेरे पास जो ये 2000 की वैल्यू है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, गॉट माय पॉइंट, 2PQ जब मैंने लिखा उसके बाद यहां पर कॉस अल्फा वो वन है, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं, तो ये ऐसे आ गया और ये किसके बराबर आ गया यहां से 2000। ठीक है, आप इसको देखो, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, वही कॉन्सेप्ट दिख रहा है आपको यहां से, ये चीज वैसी कुछ दिख रही है आपको। अगर मैं इस टर्म को देखूं, अच्छा एक रिजल्टेंट भी था मेरे पास, इसको यहां लगा दिया ऊपर, ये रिजल्टेंट। तो ये टर्म को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं,
पी स्क्वायर प्लस क्यू, ऐसे नहीं, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू क्या, 2000। समझ आया कॉन्सेप्ट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगाया, वहां से मैंने ये निकाला, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल आउट हो सकता है, तो मुझे यहाँ से पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या मिल गई, 2000। इसको हमने एक वैल्यू बना लिया, आई होप इट इज क्लियर। दूसरा देखते हैं मिनिमम वाला, मिनिमम वाले को सॉल्व करें तो वो क्या बनेगा, मिनिमम वाले को सॉल्व करें दैट इज अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है, क्यू स्क्वायर। अब यहां पर अल्फा कितना लेना है, 180 लेना है, 180 लेना है, तो मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 180 माइनस 1, तो यहां पर जो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है दिस विल बी माइनस 2PQ और ये किसके बराबर होगा, 800 के। अगेन ये क्या है, एक आइडेंटिटी बन गया, आइडेंटिटी क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग गया एंड इट इज इक्वल टू क्या, 800। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहां से मेरे पास पी माइनस क्यू ये किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है 800 के। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, क्लियर है, दो इक्वेशन समझ आ गई। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल इजिली यू कैन सॉल्व, यहां से ये आ गए। और मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट हिंट दूंगा आपको, ऑलवेज इन द केस ऑफ मैक्सिमम आप ये रिलेशन याद रखिएगा कि दो फोर्सेस जो लग रही है उनका सम रिजल्टेंट जो आपके मैक्सिमम के बराबर होगा और दो फोर्सेस का डिफरेंस आपके मिनिमम मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। हर बार ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप इजीली ये ट्रिक भी याद रख सकते हो। तो मेरे पास इसको अगर मैं इक्वेशन वन बोलूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर टू बोलूं, तो बच्चों ये इनको मैं देखूं सॉल्व करें तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां से पी प्लस क्यू इक्वल टू 2000, पी माइनस क्यू इक्वल टू 800। ऑन सॉल्विंग दिस ये कट गया ट्वाइस पी इक्वल टू 2800, पी की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आई, 1400। तो मेरे पास कोई ऑप्शन है 1400 वाला, दी ऑप्शन 1400, तो 1400 ये ऑप्शन आ गया। अब यहां पर पी पुट करो 600 दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, वेरी इजी, वेरी बेसिक एंड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी कि आप सॉल्व ना कर पाओ, आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं तीसरे और आखिरी प्रॉब्लम की तरफ, ये भी एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, आई होप ये आपको समझ आया हो, इस प्रॉब्लम को जरूर ध्यान से देखना और अंडरस्टैंड करना कि वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। कहता था सम ऑफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस, दो फोर्सेस का सम दे के रखा है आपको, पी क्यू फोर्सेस का, दैट इज 270 एंड देयर रिजल्टेंट इज ऑफ 180, उनका रिजल्टेंट की वैल्यू भी आपको दी है। अच्छा क्वेश्चन है अभी तक का इन तीनों में से सबसे अच्छा क्वेश्चन। इफ द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करना, ट्राई करना जब तक नहीं निकलता, नहीं निकले फिर उसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। वो कह रहा है कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, देयर दिस लाइन, देयर रिजल्टेंट इज ऑफ 180 एंड इफ द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू पी, मतलब आपका रिजल्टेंट जो होगा वो एक फोर्स के साथ परपेंडिकुलर होगा, गॉट माय पॉइंट। अब इसी चीज को अप्लाई करना है, इसी चीज को अप्लाई करते हैं, चलिए देखिए पहला स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है उसको देखिए, पहला स्टेटमेंट वो कह रहा है पी प्लस क्यू ये मिलके मेरे पास 270 के बराबर है, पी प्लस क्यू मिलके मेरे पास 270 के बराबर है, और वो कह रहा है कि जो मेरे पास रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट मेरे पास कितना है, 180 न्यूटन, क्लियर, 180 न्यूटन उसने बोल दिया। अब सबसे पहले मेरे को टैन का फॉर्मूला आज आपको मैंने बताया भी, ये कितना होता है, क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, क्लियर। एंड आपको मैंने ये भी बताया कि ये जो थीटा है, ये जो थीटा होता है ये रिजल्टेंट और फोर्स एंगल बनाती है, कौन, रिजल्टेंट और फोर्स एंगल बनाती है। अगर रिजल्टेंट यहां पर परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, मतलब इस केस में ये थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, ध्यान से।
इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि सर हम ये बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में अगर ये पी है और रिजल्टेंट अगर मेरा यहां पर आर है तो इसका मतलब एक फोर्स मेरी डेफिनेटली यहां होगी, इस तरह से होगी ये डायग्राम इसकी इसकी, क्योंकि इस केस में जो रिजल्टेंट है वो कहीं ऐसे दिखाया हुआ है। ये था कॉन्सेप्ट इसमें। आगे आते हैं यहाँ पर, तो जब इसको यहाँ कंटिन्यू किया तो टैन 90 तो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी क्या होता है, वन अपॉन एनीथिंग अपॉन जीरो। इसका मतलब अगर इसको मैं कंपेयर करूँ तो इस जीरो वाली टर्म को मैं लिख सकता हूँ किसके बराबर, पी प्लस क्यू कॉस अल्फा के बराबर। कहाँ से आया, टैन 90 के कॉन्सेप्ट से आया। इस वैल्यू को हम यहाँ पर इन्फिनिटी बोलेंगे, इन्फिनिटी होता है एनीथिंग अपॉन जीरो, तो जीरो से कंपेयर करें तो जीरो से मैं इस टर्म को कंपेयर कर सकता हूँ। जीरो से कंपेयर किया, यहां से मुझे वैल्यू मिल गई कि मैं पी को कहीं जरूरत पड़ी तो माइनस क्यू कॉस अल्फा से रिप्लेस कर सकता हूं अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, जरूरत पड़नी होगी तभी मैं ये चीज डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, ये मेरे पास एक पहला स्टेप आ गया। आगे चलते हैं, मेरे पास पी प्लस क्यू की वैल्यू दे के रखी है, दैट इज 270। अब मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाता हूँ। रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या सिखाया, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, रिजल्टेंट का फॉर्मूला मेरे पास है फोकस एयर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ आपके पास आगे कॉस, यहां पर क्या आ जाता है थीटा, यही वैल्यू आती है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा नहीं लेते सॉरी अल्फा, थीटा इज दी एंगल जो आपका एक रिजल्टेंट बनाता है और अल्फा इज द एंगल जो दो फोर्सेस के बीच में होता है, दिस इज द एंगल अल्फा एंड दिस इज द एंगल थीटा जो हम लेके चल रहे हैं। अब ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, ध्यान से सुनना कि आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन आपने क्यों लगाई, क्योंकि यार मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मेरे पास रिजल्टेंट पड़ा था तो मैं रिजल्टेंट की इक्वेशन लगा सकता था, मेरे पास और कोई चीज यहाँ से बन ही नहीं रही थी। अगर मैं इसको देखता, अगर मतलब मैं ये कब की बात कर रहा हूँ, जब आप एग्जाम के उस जोन में हो, जब एग्जाम में बैठे हो, अगर आपसे अप्रोच नहीं बन रहा तो क्या करना है, इस तरीके से आपने इस चीज को देखा। अब मैंने ये इक्वेशन को देखा कि वो समझा कि हाँ यहाँ पर मैं क्यू कॉस अल्फा को रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, इस चीज को क्यू कॉस अल्फा को आई कैन राइट व्हाट माइनस पी, मैं माइनस पी लिख सकता हूँ इस चीज को, माइनस पी अगर मैं लिखूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी उस चीज को देखिए, आर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2P² समझ आया। रिजल्टेंट की वैल्यू भी तो है मेरे पास 180, अगेन मैंने यहाँ स्क्वायर नहीं लिखा, यहाँ स्क्वायर लिख देता हूँ, तो आर स्क्वायर इज 180 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सीधे लिखते हैं एक बार, इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि 2P² में से पी स्क्वायर माइनस होगा तो माइनस पी स्क्वायर रह जाएगा। अब ये फिर से एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी आ गया, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, जिसको हम ए प्लस बी और इसको ए माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर वही चीज़ करूँ, वही चीज़ को फॉलो करूँ तो 180 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू प्लस पी एंड क्यू माइनस पी ऐसे लिखा जा सकता है। फिर से देखें तो मेरे को पी प्लस क्यू की वैल्यू ऑलरेडी पता थी, वो मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, और अगर मैं वो सब्सटीट्यूट करूँ तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 270, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 180 का स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट में क्यू माइनस पी। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ से मेरे पास क्यू माइनस पी की एक वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ यहाँ पर और देखूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास यहाँ से क्यू माइनस पी की वैल्यू क्या निकलती है, 180 इंटू 180 होल डिवाइडेड बाय 270। अब यहाँ से मैक्सिमम टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, इसको और इसको सॉल्व करें और ये काटें, आई थिंक ये बनता है 120। ठीक है, तो मेरे पास जो रिलेशन मिला मुझे वो मिल गया क्यू माइनस पी की वैल्यू निकल के आई 120। क्यू माइनस पी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 120। क्वेश्चन में क्या पूछा था मेरे को, क्वेश्चन में बोला गया था, एक बार क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में बोला गया था मुझे पी एन क्यू फाइंड आउट करके देना है। ठीक है, मुझे एक पी एन क्यू फाइंड आउट करके देना है, और पी एन क्यू अब इजिली मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कैसे, यहाँ देखो
क्लोजिंग यहां करते हैं इस चीज की। पी एन क्यू कैसे फाइंड आउट हो सकता है, क्योंकि मेरे को पता है पी प्लस क्यू मिलके 270 है एंड माइनस पी प्लस क्यू मिलके कितना है 120 है। बस इसको सॉल्व किया, यह आ गया ट्वाइस क्यू और ये मेरे पास यहां पर आ गया 390। इस तरीके से वैल्यू आ रही है 390। तो Q की वैल्यू मेरे पास यहां से कितनी आएगी, Q की वैल्यू मेरे पास बन रही है 195। आई थिंक एक ऑप्शन है 195 वाला, 195। और P की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, P की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 75। सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। एक बार इसको फिर से देख लेना, कहीं पे भी डाउट होगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ये तीनों टाइप की प्रॉब्लम्स आपको पेपर में आ सकती हैं। सो विद दिस वी आर डन विद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्रॉब्लम। किसी भी टाइप का आपको प्रॉब्लम में कहीं पे भी दिक्कत हो, यू कैन डायरेक्टली कमेंट इन द जो कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि आपका वीक है, आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।